जब बाहर केक काट रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गलती से वहां हूं। मुझे वहां होना ही नहीं चाहिए था, मैं पूरे फ्रेम में मिसफिट थी। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, अगर मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जो तुम्हारा मजाक बनाया है मुझे उसका एहसास है, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये रिश्ता यहीं खत्म होना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम इनफैक्ट मजे की बात ये कि उसने खुद अपने हाथों से मुझे ये बनाया है। उन्हें तो एहसास तक नहीं हुआ। कह रहे थे कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो दोबारा करेंगे ये सब। मेरे जज्बात को तो उन्होंने रोन के रख दिया, इतना बड़ा धोखा किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज मेहर को कहेगा कि मेहर, मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए, और ये बहुत बुरी मुसीबत है क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है, और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर, मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए, और ये बहुत बुरी मुसीबत है क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है, और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर, मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए, और ये बहुत बुरी मुसीबत है क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है, और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर,
मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर
मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर
मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर
मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर
मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर
मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर
मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना के रिश्ता हो जाए और ये बहुत बुरी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है तो तुम अपने बाप को कहो कि हम दोनों अलग घर में रहे, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो यहाँ तो वो लड़की आ रही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ कहे कि मेहर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बाबा ऐसा नहीं चाहता। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर
मेरी माँ चाहती है कि मेरे भाई के साथ एलिना का रिश्ता हो जाए और ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को तो ऑलरेडी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसके भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की और इसके भाई की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हुआ। व्यूअर्स दूसरी तरफ इसको ये भी पता है कि एलिना वो लड़की है जिसको शबरेज़ पसंद है और शबरेज़ और इन एलिना की शादी हो रही थी और मेरी वजह से इन दोनों की शादी टूटी। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ को मेहर ये कहेगी कि शबरेज़ अगर तुम्हारे बाप ये सब चाहता है